हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं और हम डिस्कशन करेंगे कि क्या सेल्यूलोस टैबलेट लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज है कि सेल्यूलोस टैबलेट कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, जो भी है। और कमेंट भी आया हुआ है और उसके अलावा बहुत से मेरे क्लाइंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि सर सेल्यूलोस टैबलेट हमें कब ऐड करनी चाहिए। हमने उनसे बात करी तो वो बोल रहे थे सर सेल्यूलोस टैबलेट भी ले लें, तो मैं आज पूरी डिटेल में बात करूंगा। और उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे डिस्क्लेमर करता हूँ कि हर्बल लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट्स किसी भी तरह की कोई बीमारी सही नहीं करते हैं और ना ही वेट लॉस करवाते हैं, ना वेट गेन करवाते हैं। तो अगर आप इस उम्मीद से ले रहे हैं कि इससे कोई बीमारी सही हो जाएगी, इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो आप उसको लेना अभी से बंद कर सकते हैं, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है जो आपके एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। सेल्यूलोस टैबलेट लेनी चाहिए क्या या फिर कब लेनी चाहिए, जो भी है। वैसे मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है उस पर, दो तीन, लेकिन फिर भी मैं आपको क्विक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कितने तरीके से वेट होता है। पहला होता है आपका बॉडी फैट परसेंट, बॉडी फैट वेट। दूसरा होता है वाटर वेट। तीसरा होता है मसल वेट। सेल्यूलोस का काम क्या है? सेल्यूलोस का काम है आपकी बॉडी से वाटर वेट को कम करना, फैट को कम करना नहीं। अब सेल्यूलोस टैबलेट लेनी चाहिए क्या, इसका मैं जवाब देता हूं। अब आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी फैट है, बहुत ज्यादा फैट है, अब आप उसको सेल्यूलोस टैबलेट को ले रहे हैं तो उस समय आपको जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वाटर होल्ड कर रही है क्या। अब वाटर होल्ड मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ किस टाइप से। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा बहुत से लोगों की स्किन लटक जाती है, लूज होती है। दूसरा आपने किसी के यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा चिन के नीचे बहुत ज़्यादा फैट जमा होता है, स्वेलिंग टाइप होता है, सूजन टाइप होता है। तो इस टाइप से अगर आपके साथ में कंडीशन हो रही है तो वहाँ पे ज़रूरत है आपको सेल्यूलोस टैबलेट की, क्योंकि सेल्यूलोस क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर वो वाटर होल्ड हो चुका है। अगर वाटर होल्ड हो चुका है तो उसको बाहर निकालने के लिए वो ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बॉडी से फैट परसेंट कम हो जाएगा तो सवाल पैदा नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बात क्या आती है कि सेल्यूलोस, अब सेल्यूलोस टैबलेट आप ले रहे हैं और अगर आप कुछ डाइट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप जो सेल्यूलोस टैबलेट ले भी रहे हैं ना, तो उसका भी रिजल्ट जीरो ही है। तो क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले आपने आपकी डाइट के अंदर सोडियम को कट करना पड़ेगा। सोडियम मीन्स की नमक, यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सोडियम नमक खाने की आदत है, नमकीन खाने की आदत होती है या फिर फास्ट फूड खाने की आदत होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब सोडियम एक मिनरल है, तो जैसे ही आप सोडियम बॉडी के अंदर डाल रहे हो तो आपकी जो किडनी है उसको न्यूट्रिएंट समझ के उसको स्टोर करने लग जाती है, और जैसे उसको स्टोर करती है तो वो क्या करता है, आपका सोडियम आपकी बॉडी के अंदर वाटर, आपकी किडनी जो है उसको वाटर को होल्ड करने लग जाती है। अब वाटर होल्ड कर रही है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जॉइंट्स में जाएगा, जहां पे आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है घुटनों के अंदर, ठीक है। तो आपकी डाइट के अंदर आपको सोडियम को कट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐड करें सेल्यूलोस, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका समझना पड़ेगा। अब दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि यहाँ पे बात करो राइस, आप पोटैटो लेते हैं, आप चपाती बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो भी सेल्यूलोस काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर 3 ग्राम वाटर को होल्ड करती है। तो आपने इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड हो रहा है, आपकी स्किन जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से हो रही है, तो क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप सबसे पहले सोडियम को कट करें, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स को कब कट करें। अगर इन चीज़ों को कट करने के बाद में अगर आप सेल्यूलोस को ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और तीसरा यहाँ पर मैं बोलूँगा वर्कआउट को ऐड करें, क्योंकि आप वर्कआउट को ऐड करते हैं तो आपकी बॉडी से जो इंचेस है, जो आपको वाटर रिटेंशन है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बहुत फास्ट रिजल्ट आएगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और उसके अलावा वाटर इंटेक का भी आपको ध्यान रखना है, 20 केजी पे 1 लीटर आपको पानी पीना ही पीना है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपका जो वाटर होल्ड हुआ पड़ा है वो बाहर नहीं आएगा, बिकॉज जो
सेल्यूलोस है वो क्या करता है, आपकी आपकी जो बॉडी से वो जो सोडियम है उसको भी कट करता रहता है। जैसे सोडियम कट होता रहेगा बाहर निकलेगा, तो आपका जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा पूरा। तो सेल्यूलोस इस तरीके से काम करता है। सेल्यूलोस के अंदर कुछ ऐसे कॉन्टेंट्स है, इंग्रीडियंट्स है जो आपकी बॉडी से पूरा वाटर होल्ड कर बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर आप आपकी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे और आप डायरेक्ट अगर आप सेल्यूलोस को लेते रहेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा। आप सोच रहे मैं यार टैबलेट ले रही हूँ मेरा सब बाहर निकल जाएगा हो जाएगा, वो उससे नहीं होगा। ठीक है, तो आपने आपकी डाइट को भी मैनेज करके चलना है। जो मैंने आपको ये दो मेन जो बताए हैं इनमें आपको ध्यान रखना, क्योंकि यही एक सबसे बड़े कारण होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वाटर होल्ड करने का। ओके, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और उसके बाद आपकी डाइट के अंदर आप आपकी न्यूट्रिशन जो है उसके अंदर आप सेल्यूलोस को ऐड करें। देखिए सेल्यूलोस को लेने का बहुत बेसिकली टाइम है, आप कोई भी मील के बाद में आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार आप ले लें। ठीक है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद में। ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा पूरा वाटर, तो आपका रिजल्ट आएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी बॉडी से जो फैट है वो कम हो जाएगा तो आप गलत है। वेट कम नहीं करता, वाटर वेट को कम करता है। और पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि यही इतना सारा अगर बॉडी के अंदर आपका फैट स्टोर है तो सबसे पहले आप फोकस करें आपकी बॉडी से फैट को कम करने का, उसके बाद आप सेल्यूलोस को स्टार्ट करें। ओके, और भी अगर इसके बारे में डिटेल में मेरे से वीडियो जाननी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि और कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं मेरे बेटर से नॉलेज के साथ में मैं वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।